इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी इफ टेन ए इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है, और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके, सो यहाँ क्या गिवन है, टेन ए इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, ठीक है, और राइट एंगल कहाँ बना रहा है, बी पे, तो बी पे 90 डिग्री है ये रहा, ठीक है, बी पे 90 डिग्री है और यहाँ टेन ए गिवन है, तो टेन क्या होता है, पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, सो यहाँ अगर एंगल है, इसको समझना, एंगल ए है करेक्ट, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये साइड बी सी और ये हो जाएगा बेस, ठीक है, ये बेस होगा और इस एंगल के लिए, क्योंकि हम लोग को लगेगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि साइन सी भी बोल रहे हैं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, इसका अपोजिट साइड, इसका मतलब इस एंगल का अपोजिट, और बेस होगा इसका सटा हुआ, ये रहा एडजेसेंट, ठीक है, ये होगा बेस, समझेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग टेन ए दे दिया है वन बाई रूट थ्री, सो बी सी बाई ए बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस, सो बी सी हो जाएगा एक्स क्योंकि यहाँ वन है, और ए बी हो जाएगा रूट थ्री एक्स क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है, हम लोग एक्चुअल लेंथ नहीं मालूम है, सो हम लोग को यहाँ एक्स लगाना होगा। ओके, एक्स लगाना होगा या तो के लगा देना। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लोग को इसका लेंथ चाहिए। ओके, ए सी का लेंथ चाहिए, सो इन ट्रायंगल ए बी सी लिख देना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी रूट थ्री है, रूट थ्री एक्स है, सॉरी रूट थ्री एक्स है, सो रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी सी का बी सी, सो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाता है, थ्री, समझ में आ रहा है ना, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो थ्री हो जाएगा, वेट, और ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट लगेगा और हम लोग को आंसर मिलेगा टू एक्स, तो ए सी कितना निकला, टू एक्स, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके ये साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, सो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, अच्छा हम लोग देखते हैं कहाँ एंगल बन रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सो एंगल यहाँ बन रहा है ए पे, मतलब यहाँ एंगल है, तो इसका लिए क्या हो जाएगा, पी, सो ये रहा परपेंडिकुलर बाई हाइपरटनेस, ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर बाई हाइपरटनेस, तो बी सी बाई ए सी, सो ये एक्स बाई टू एक्स तो कटेगा, एक्स एक्स तो वन बाई टू, अच्छा कॉस ए, तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, करेक्ट, सो इसके लिए, इस एंगल के लिए बेस ये है और ये रहा हाइपरटनेस, तो सही है, रूट थ्री एक्स बाई टू एक्स, ठीक है, रूट थ्री एक्स बाई टू एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा और रूट थ्री बाई टू। अब हम लोग को साइन सी चाहिए, साइन सी, सो समझना ये सी है, मैं पहले ही बताया था, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्योंकि पी अपॉन एच होगा, तो परपेंडिकुलर ये, और हाइपरटनेस हमेशा यही रहेगा टेढ़ा वाला साइड, जो चेंजेस होगा वो बेस और परपेंडिकुलर में होता है, ठीक है, सो ए बी बाई ए सी, यहाँ समझ में आया क्या हुआ, ये समझना जरूरी है कि परपेंडिकुलर अब ये हो जा रहा है, ठीक है, इस एंगल के लिए, और ये रहा बेस, सो यहाँ पी अपॉन एच हुआ, सो अगेन ये हो गया और रूट थ्री बाई टू। ओके, अब कॉस सी, कॉस सी क्या होगा, बी अपॉन एच, लेकिन यहाँ ये सी है तो बेस ये और हाइट ये, तो वन बाई टू एक्स बाई टू एक्स, सो वन बाई टू, आया समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग को जो चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग वैल्यू निकाल दिए, अब हम लोग को साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, सो साइन ए कितना है, हम लोग निकाल चुके हैं वन बाई टू, कॉस सी कितना है, कॉस सी ये रहा वन बाई टू, ठीक है, सो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस रूट थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू, कॉस ए कितना है देख लो, रूट थ्री बाई टू, और साइन सी कितना है, रूट थ्री बाई टू, सो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री, करेक्ट, और ये नीचे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो फोर, सो ये हो गया वन बाई फोर, ये हो गया थ्री अपॉन फोर, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री, सो ये ऐड हो जाएगा फोर बाई फोर, ये वन आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, सो यहाँ कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यहाँ हम लोग ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके थे, ये मैं बैठा दिया हूँ, देख लो, रूट थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू, सो ये रूट थ्री बाई फोर हो जाएगा, ये रूट थ्री से वन मल्टीप्लाई होगा
और 2 इंटू 2 4, ठीक है, न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो ये रूट 3 बाई 4 माइनस रूट 3 बाई 4, तो कितना आ गया 0, ओके ठीक है।